Very good afternoon. Very good afternoon. Very good afternoon. देखो हम पढ़ रहे थे बेसिकली क्या पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है मैग्नेटिक फील्ड भी होता है वो क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं ठीक है उसके बाद देखो हमने एक पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जितनी भी अलग अलग टाइप की रेडिएशन है वेरी गुड आफ्टरनून जल्दी आओ बेटा जितनी भी अलग अलग टाइप की रेडिएशन है हमारी जितनी भी अलग अलग टाइप की रेज है कॉस्मिक रेज गामा रेज एक्स रेज माइक्रोवेव इंफ्रारेड रेडियोवेव उन सबको क्या किया है हमने अरेंज किया है एक स्पेक्ट्रम में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के जिस तरीके से ठीक है तो ये आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेटा जी उसके बाद देखो कल हम एक चीज पढ़ रहे थे एक पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोग्राफ एक हमने क्या पढ़ा था स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रोग्राफ स्पेक्ट्रोग्राफ का मतलब क्या है एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हो अगर वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक से रिलेटेड है तो उसको क्या बोल देंगे स्पेक्ट्रोग्राफ बोल देंगे ठीक है बेटा जी ये बात है उसके बाद देखो उसने इसने क्या बोला कि स्पेक्ट्रा जो है वो दो तरीके से क्लासिफाइड है जो स्पेक्ट्रा है वो दो तरीके से क्लासिफाइड है बेसिकली एक तो है एमिशन स्पेक्ट्रा एक तो क्या है एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वन इज एमिशन स्पेक्ट्रा एंड सेकेंड वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बेटा जी ठीक है ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इस तरीके से आता है ठीक है बेटा जी उसके बाद देखो हमने कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है जब कोई भी रेडिएशन एमिट करता है जब कोई भी सब्सटेंस क्या करेगा रेडिएशन को एमिट करेगा एमिट करने का मतलब क्या है कि वो एनवायरमेंट में उनको रिलीज करेगा ठीक है एनवायरमेंट में रिलीज करने का मतलब वो एक तरीके से उनको छोड़ देगा व्हेन रेडिएशन एमिटेड व्हेन रेडिएशंस एमिटेड जब रेडिएशंस क्या होती है एमिट होती है व्हेन रेडिएशंस आर एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स फ्रॉम एनी सोर्स ठीक है जैसे सन है कोई भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ठीक है थ्रो ए गैस एट लो प्रेशर थ्रो ए गैस एट लो प्रेशर और बाय हीटिंग सब सब्सटेंस अगर किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं वहां से भी रेज निकलती है तो उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रा आता है दैट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रा उसको क्या बोलेंगे बेटा जी एमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे ठीक है ये क्या है एंड रेडिएशंस एमिटेड जब रेडिएशंस आपकी किसी भी सोर्स से निकलती है वो सोर्स आपका सन भी हो सकता है वो सोर्स आपका कोई भी लाइट लाइट का सोर्स है जैसे मान लो कोई आयरन की रोड है आप उसको क्या करोगे अगर हीट करोगे तो अलग अलग टाइप की रेडिएशन निकलती है ठीक है अब सोर्स ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंडेंट क्या सोर्स ऑफ रेडिएशन की सोर्स ऑफ रेडिएशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेडिएशन डिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेडिएशन डिपेंडेंट आपकी क्लासिफिकेशन है दो टाइप से पहला तो आता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या आता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड सेकंड वन इज लाइन स्पेक्ट्रा ठीक है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर देखो बेटा जैसे सपोज करो आपकी सनलाइट आ गई सपोज करो सनलाइट आ गई अब सनलाइट जो है इस तरीके से अलग अलग रेडिएशन ये प्रिज्म में से हमने पास कर दिया कोई भी ग्लास का प्रिज्म है
उसके अंदर से हमने इसको पास कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये इसके अंदर से पास होके क्या होगी, सेवन कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। सबसे ऊपर रेड आ जाएगा, ठीक है, फिर ऑरेंज आ जाएगा, फिर आपका येलो आ जाएगा, फिर आपका ग्रीन आ जाएगा, फिर ब्लू आ जाएगा, फिर इंडिगो आ जाएगा, और लास्ट में आपका वॉयलेट आ जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, BIPGYOR विज्योर बन जाएगा। मतलब सनलाइट जो थी वो क्या थी, व्हाइट लाइट। सनलाइट जो थी वो क्या थी, व्हाइट लाइट थी। हमने उसको जब एक प्रिज्म में से पास किया, ये था आपका प्रिज्म, इसको जब हमने प्रिज्म में से पास किया तो वो सेवन कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सेवन कलर्स कौन कौन से थे, विज्योर से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एक बार ध्यान रखना, हमेशा सबसे ऊपर सबसे कम कम एनर्जी वाली, और कम एनर्जी किसकी होती है, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, बेसिकली ज्यादा होगी बेटा जी, ठीक है। तो रेड की जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उसको ऊपर आएगा, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है, कम, ठीक है। तो जब हम व्हाइट लाइट को कोई भी सोर्स से आई है, वो सन है, सपोज करो ये हमारा, ये सन का जो है बेसिकली सोर्स था, तो सन के सोर्स से हमने व्हाइट लाइट लिया है, सन से व्हाइट लाइट आई, हमने प्रिज्म में पास कर दी, प्रिज्म में से वो डिस्ट्रीब्यूट चेंज हो गई सेवन कलर्स में, विज्योर के अंदर वो क्या हो गई, हमारी जो लाइट है डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है बेटा जी। वो सेवन अलग अलग बैंड्स मिलते हैं यहाँ पे, हमें क्या मिलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में बैंड मिलते हैं। बैंड का मतलब होता है थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये जो है ये आपका क्या है, बैंड है। एक कलर का सपोज करो ये बैंड है, लेकिन अगर ये देखेंगे तो ये क्या है, लाइन है। तो बैंड और लाइन में विड्थ का डिफरेंस होता है, बैंड के पास विड्थ होती है, लाइन के पास विड्थ नहीं होती बेटा जी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब हम उसको प्रिज्म में से पास करते हैं तो रेड जो है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, इसकी क्या होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लैम्डा जो है उसकी सबसे ज्यादा होती है, और इसकी क्या होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसकी क्या होती है, लैम्डा की वैल्यू जो है वो सबसे कम होती है, और रेड की लैम्डा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए रेड जो है सबसे ऊपर आता है, वॉयलेट कलर जो है वो सबसे नीचे आता है। ये तो था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस मतलब रेड के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन, इस तरीके से जो है स्पेक्ट्रम जो है कंटिन्यूटी में रहता है। एक सेकेंड आता है आपका लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जैसे कोई सपोज करो सोडियम का, सोडियम है, सोडियम का लैंप है, सोडियम है बेसिकली, उसका लैंप है, अगर कुछ वोलेटाइल सॉल्ट होता है कोई भी, अगर उसको आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए रखते हो तो कलर ऑफ लाइट जो है वो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। मतलब वो ये बात बोल रहा है कि जैसे सपोज करो ये आपका कोई यहाँ पे बंसन फ्लेम है, ये बर्नर है, कोई बर्नर के ऊपर आपने ऐसे चाइना डिश में कोई मटेरियल रख दिया, बर्नर के ऊपर आपने चाइना डिश में कोई मटेरियल रख दिया, और ये मटेरियल आपका क्या है, वोलेटाइल सॉल्ट। ये मटेरियल क्या है आपका, वोलेटाइल सॉल्ट। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो क्या करता है, उड़ जाता है, वो क्या होता है आपका, वोलेटाइल सॉल्ट आता है बेटा जी। तो उस वोलेटाइल सॉल्ट को जब हम बंसन फ्लेम के ऊपर रखते हैं, तो एक गैस एट लो प्रेशर, तो उसमें अगर हम उसको पास करते हैं गैस को लो प्रेशर से, तो यहाँ से क्या होती है, एक लाइट एमिट होती है, क्या होती है, लाइट एमिट होती है, और वो जो लाइट एमिट होगी वो डिपेंड करेगी कि हमने कौन सा सॉल्ट लिया है, वो डिपेंड करेगी किस पे, कि हमने कौन सा सॉल्ट लिया है, ठीक है। तो अगर हम उसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर निकालते हैं, ठीक है, अगर हम उसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर निकालते हैं, तो जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जब आप स्पेक्ट्रा लोगे तो इस तरीके से दो येलो लाइन्स आती हैं, इस तरीके से क्या आती है, दो येलो कलर की लाइन दिखती है अगर हम स्पेक्ट्रा लेते हैं सोडियम का। तो बेसिकली हमने क्या किया कि बंसन फ्लेम के ऊपर सोडियम का कोई भी सॉल्ट जो उड़ सकता हो, वोलेटाइल नेचर का हो, उसको हम गर्म करेंगे, वहां से क्या करेगी, लाइट एमिट करेगी, और ये क्या है, सोडियम का लैंप है, ये बेसिकली क्या है, सोडियम का लैंप है एक तरीके से, उसमें से हीट निकल रही है। तो वहां पे अगर हम स्पेक्ट्रा नोट करेंगे तो दो लाइंस दिखाई देती हैं, वो भी कैसे कलर की, येलो कलर की। तो इस तरीके से जो डिफरेंशिएटेड लाइन हमें दिखती है उसको बोलते हैं बेटा जी लाइन स्पेक्ट्रा, इसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा। और ये दोनों कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा, ये दोनों कौन से टाइप का स्पेक्ट्रा है,
एमिशन स्पेक्ट्रा, कौन से टाइप का स्पेक्ट्रा है बेटा? एमिशन स्पेक्ट्रा मतलब लाइट जब किसी भी सोर्स से निकलती है, निकलने का मतलब एमिट होती है, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा बनता है। इसी तरीके से हमारा सेकंड बनता है क्या? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं। सपोज करो ये हमारा कोई फ्लेम है, बर्नर फ्लेम है, ठीक है। इसके अंदर हमने इस तरीके से, जब आप फर्दर जाओगे ना केमिस्ट्री में, तो इस तरीके से प्लेटिनम वायर मिलती है। ये प्लेटिनम वायर है, ठीक है। उसके ऊपर हमने यहाँ पे क्या रखा है? NaCl। NaCl मतलब सॉल्ट रखा है। ये आपका क्या है? यहाँ पे बर्नर है। यहाँ से रेज निकलेगी। अब जैसे कोई भी वोलेटाइल सॉल्ट है वो जलेगा, या कोई भी चीज जलती है तो उसमें से अलग अलग तरीके की रेज निकलती है। ये यहाँ से रेज निकलेगी। ये हमने यहाँ पे क्या लगा दी? स्लिट लगा दी। यहाँ पे क्या लगा दी? स्लिट लगा दी, ठीक है। इस तरीके से स्लिट लगा दी, ठीक है। यहाँ स्लिट लगा दी। उसके बाद यहाँ पे क्या आया? ये रख दिया हमने प्रिज्म। ये क्या रख दिया हमने? प्रिज्म रख दिया। यहाँ से एक बीम आई, पास करेगी वो यहाँ और यहाँ इस तरीके से चली जाएगी। ये आपकी है फोटोग्राफिक प्लेट। ये क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट है ये यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम इस फोटोग्राफिक प्लेट को हम अलग से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इस तरीके से दो लाइन दिखाई देती है। एक तो 5.896 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और एक हमें दिखाई देती है 5.890 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है। और ये क्या है? येलो कलर की लाइन्स आती है, टू येलो लाइन्स आती है। तो ये है हमारा सोडियम का स्पेक्ट्रम। इस तरीके से हम सोडियम का स्पेक्ट्रा लेते हैं। जैसे सपोज करो हमने एक बर्नर ले लिया, ये आग जल रही है यहाँ पे बर्नर में, उसमें से क्या किया? एक प्लेटिनम का वायर ले लिया। जैसे प्लेटिनम की बनी हुई है चम्मच सी आती है बिल्कुल छोटी सी, जिसपे बहुत थोड़ा सा सॉल्ट आएगा, वो हमने NaCl का सॉल्ट ले लिया। जब वो सॉल्ट बर्न करेगा तो वहां से कुछ रेज निकलेंगी। उन रेज, वो बहुत सारी रेज निकलती है उनको, ठीक है, उनको बेसिकली क्या कहेंगे? जो स्लिट है इसमें से पास कर दिया, ये जो स्लिट है यहाँ से इसमें से पास कर दिया इन रेज को, और वो रेज क्या हो गई? यहाँ जाके प्रिज्म में दो में स्प्लिट हो गई। एक ही रे आई थी लेकिन वो स्प्लिट किसमें हो गई? दो अलग अलग रेज में, जिनकी अलग अलग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है। और उनको जब हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे उतारा तो 5.896 एंगस्ट्रॉम और 5.890 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ आई, और कैसी लाइंस दिखी? वो कौन से कलर की? येलो कलर की। तो इस तरीके से जो आता है वो आता है हमारा स्पेक्ट्रम, ठीक है बेटा जी। इस तरीके से ये स्पेक्ट्रा का पूरा सेटअप है कि हमें इनपुट चाहिए, मतलब जहाँ से रेज निकलती हो, रेडिएशन निकलती हो। एक प्रिज्म चाहिए जिससे हम रेडिएशन को अलग अलग कर सके, और उसके बाद एक फोटोग्राफिक प्लेट चाहिए जहाँ पे हम उनको लगा सकें, ठीक है बेटा जी, जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकें कि ये कौन सी फ्रिक्वेंसी की आई है और कौन सी फ्रिक्वेंसी की नहीं आई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसी तरीके से जो है हम स्पेक्ट्रा क्या लेते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसी तरीके का जो स्पेक्ट्रा होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर भी सेम होगा कि सपोज करो हम किसी सोर्स के ऊपर लाइट डाल रहे हैं, किसी भी सोर्स के ऊपर, सोर्स से, बैटरी से, टॉर्च से, बल्ब से हम लाइट डाल रहे हैं किसी सब्सटेंस के ऊपर, और हम उसका स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, तो हमें जितनी लाइट लास्ट में मिलेगी उसके अलावा जितनी हमने पास करी थी, तो इंसिडेंट लाइट होती है कि जितनी हम उस पर डाल रहे हैं, एक वो लाइट होती है जो हमें मिलती है। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वो होता है जब हमने इंसिडेंट लाइट कुछ और करी थी, हमें मिलती कुछ और है, तो उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसीलिए वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, की कितनी लाइट उसने एब्जॉर्ब करी है, बेटा जी, ठीक है। इसके बाद जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखो बेटा, व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, जब हम हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं, किसमें लेते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं हाइड्रोजन गैस को, और कब? लो प्रेशर के ऊपर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हैं,
उसको लो प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस को और लाइट जो उसमें से एमिट होती है उसके अंदर से क्या होती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बनता है या इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो बनता है वो स्पेक्ट्रोस्कोप में हमें देखने को मिलता है एंड दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन. मतलब हमने क्या किया कि ये इस तरीके से डिस्चार्ज होती है, कैथोड लगा हुआ है या एनोड लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया है हाइड्रोजन गैस ली है जिसका प्रेशर क्या है बहुत ही कम है. तो उस टाइम पे जब हाइड्रोजन गैस हमने ली तो करंट फ्लो करेगा क्योंकि एक कैथोड है, एक एनोड है, बैटरी से अटैच है तो करंट तो फ्लो करेगा. तो जैसे ही वो करंट फ्लो करता है यहाँ से तो वहां पे उस टाइम पे क्या होती है आयोनाइजेशन. क्या होती है आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन का मतलब क्या है आयंस बन जाना. आयंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अलग हो जाना, ठीक है. तो यहाँ पे हमने जब इनका स्पेक्ट्रम देखा तो जो इसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है n is equal to 7, n is equal to 6, n is equal to 5, n is equal to 5. ये n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n is equal to 3, n is equal to 2, n अगर ये आपको विजिबल हो तो मैं इसको n is equal to 1 को यहाँ बना लूँ, ठीक है. इस तरीके से n is equal to 1, n is equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7. देखो अभी तक जितने भी एलिमेंट्स डिटेक्ट हुए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर उनमें लास्ट जो शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बना गया है दैट इज 7, इसीलिए हमने 7 तक कंसीडर किया है, ठीक है. तो इसके अंदर हमें पांच तरीके की जो सीरीज है वो देखने को मिलती है. पहली हमें मिलती है लाइन एंड सीरीज. पहली हमें क्या मिलती है लाइन एंड सीरीज. यहाँ से मिलती है लाइमन, LYMAN, लाइमन सीरीज, ठीक है. ये मिलती है लाइमन सीरीज. उसके बाद जब हमारी N1, N3 से 2 में आती है बेसिकली, N जब 3 से 2 में आती है तो हमें मिलती है क्या बाल्मर सीरीज, BALMER, ठीक है. उसके बाद हमें मिलती है कास्टियन सीरीज. 4 से 3 में आते हैं तो हमें मिलती है कास्टियन सीरीज, ठीक है. और उसके बाद जब आती है हमारी कब 5 से 4 में तो हमें मिलती है ब्रैकेट, ठीक है. ये पांच नाम है. पहला नाम है बेटा लाइमन, लाइमन LYMAN. सेकंड है आपका बाल्मर, BALMER. थर्ड वन है कास्टियन एंड फोर्थ वन है क्या ब्रैकेट, BRACKET. ठीक है, क्लास भी आती है फंड बोलते हैं इसको, फंड बोलते हैं PFUND, ठीक है. इस तरीके से ये पांच सीरीज जो है वो हमें बेसिकली देखने को मिलती है, ठीक है. तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन का जिसके अंदर बहुत सारे नंबर हो. अब ये जो लाइमन सीरीज बनती है ना जब 2 से 1 में आता है फिर 3 से 1 में आएगा फिर 4 से 1 में आएगा फिर 5 से 1 में आएगा. सबसे ऊपर वाले जितने भी लेवल हैं उन सब में से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस नंबर 1 n is equal to 1 में आता है तो उस टाइम पे जितनी भी सीरीज में लाइन मिलती है हमें या जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर लाइंस मिलती हैं दैट आर लाइमन सीरीज. उसको क्या बोलते हैं लाइमन सीरीज. जब हमारी 2 के अंदर आती है ऊपर वाले सारे लेवल से 6, 7, 5, 4, 3 से बाकी सबसे ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले सेकंड लेवल में n is equal to 2 में आती है तो हमारी मिलती है बाल्मर सीरीज, n is equal to 3 में आती है तो मिलती है कास्टियन सीरीज, और 4 में आती है तो ब्रैकेट मिलती है, और 5 में आती है तो फंड मिलती है, ठीक है बेटा जी. इस तरीके से तो ये है आपकी. उसके बाद ये तो था हमारा हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा. ये आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी, ये चारों पांचों जो भी आपकी सीरीज है और कौन से वैल्यूज कौन से में आती है, मतलब n is equal to 1 में कब आती है लाइमन के केस में, ठीक है, n is equal to 2 में कब आती है बाल्मर के केस में, इस तरीके से. उसके बाद इसी में एक था रेडबर्ग्स फॉर्मूला. 1890 के आसपास एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन दी थी रेडबर्ग जो थे, उन्होंने क्या किया था 1890 के आसपास वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, ये जो वेवलेंथ आई है ना हाइड्रोजन के अंदर कि कौन सी वेव्स की कितनी
कौन सी लाइंस की कितनी वेवलेंथ होगी उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या दिया था, एक फॉर्मूला दिया था। उस फॉर्मूले को हम देखते हैं, वो फॉर्मूला था 1 by lambda is equal to r 1 by n1 का square minus 1 by n2 का square। ठीक है, ये है आपका 1 by lambda is equal to r 1 by n1 का square minus 1 by n2 का square। ठीक है, जहाँ पे r की वैल्यू कांस्टेंट रखी गई थी, that is 1.097 × 10⁻¹⁷ पर मीटर। ठीक है, ये पर मीटर के हिसाब से रेडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू फिक्स करी गई थी। ठीक है, 1096 सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से जो है इसकी वैल्यू फिक्स करी गई थी बेटा। ठीक है, ये वैल्यू थी इसकी। उसके बाद देखो n1 और n2 जो है वो होल नंबर्स थे। n1 और n2 क्या है, होल नंबर्स थे। n1 इज कांस्टेंट एंड n2 वेरीज। n1 क्या है, जिसके अंदर देखो जैसे ये 7 बनाए थे हमने, तो ये n is equal to 1, तो सेकंड से भी 1 में आया, थर्ड से भी, फोर्थ से भी, फिफ्थ से भी, तो यहाँ पे n1 उसको लेते हैं जिसमें सारी रेज ऊपर वालों से जंप करके डाउनवर्ड्स आती है। तो जिस भी लेवल के अंदर वो एंटर करती है, मतलब n1 के अंदर एंटर करती है, तो n1 आपका 1 हो जाएगी वैल्यू। n2 के अंदर आती है तो n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो n1 का मतलब वो है जहाँ पे आपकी रेज एंटर कर रही है, ऊपर वाले लेवल से आके नीचे वाले लेवल में जंप कर रही है। तो वो कौन सा लेवल है जिसमें सारी जंप कर रही है, दैट इज n1 एंड n2। ठीक है, n2 आपका वेरी करता रहता है, 2 से आएगी, फिर 3 से 1 में आएगी, 4 से 1 में आएगी, 5 से 1 में आएगी, 6 से 1 में आएगी और 7 से 1 में आएगी, इस तरीके से। ठीक है, और इसी को हमने दोबारा इसको कांस्टेंट कांस्टेंट बनाने के लिए इस फॉर्मूले को इसको हमने z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो nf और ni, मतलब i मतलब इनिशियल और f मतलब फाइनल, मतलब फाइनली जो रे है, जो लाइन है, वो कहाँ पे एंटर कर रही है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है, वो हो जाएगा nf, मतलब n फाइनल, और n इनिशियल मतलब जहाँ से लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है। और ये z जो है, z का स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई किया है, z क्या है आपका, एटॉमिक नंबर है। z क्या है बेटा जी, एटॉमिक नंबर है। तो ये था हमारा हाइड्रोजन का बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रा। ये क्या था, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा था। समझ आया मेरे, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा था इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा ये कहता है कि एक n फाइनल होता है, एक n इनिशियल होता है, जो ऊपर वाले जितने भी लेवल्स हैं उन सब में से इलेक्ट्रॉन जंप करके डाउनवर्ड्स आते हैं। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ बेटा जी, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका क्या है, ये रेडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया था कि जितने भी लेवल हैं हाइड्रोजन के अंदर, n is equal to मान लो 4 है, n is equal to 3, n is equal to 2 and n is equal to 1, इस तरीके से लेवल्स हैं आपके n is equal to 1, मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो हम ये पढ़ते हैं, शेल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके के जो शेल्स हैं उनका नंबर दिया है ये। और मैंने ये बात बोली कि जब हम हाइड्रोजन के एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, लोवेस्ट लेवल में था, एनर्जी लेने के बाद वो जंप करके हायर लेवल में चला जाएगा। सपोज करो ये पहले यहाँ था, ये इलेक्ट्रॉन ये जंप करके कहाँ चला गया, एनर्जी लेके यहाँ चला गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके ऊपर वाले लेवल में चला गया, अब ये वापिस भी तो आएगा ना, वापिस भी आएगा, तो ये क्या करेगा, जब ये यहाँ से वापिस फर्स्ट में जंप करता है इधर, तो ये क्या करता है, कुछ एनर्जी रिलीज करता है, रेडिएशंस की फॉर्म में कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और वो जो एनर्जी रिलीज करता है उससे हमें मिलती है अलग अलग लाइंस, जो स्पेक्ट्रा या जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं उसमें अलग अलग लाइंस मिलती हैं। और वो लाइंस अलग इसीलिए होती हैं क्योंकि जब 4 से 1 में आया तो अलग एनर्जी रिलीज करेगा, जब 3 से 1 में आएगा तो अलग एनर्जी रिलीज होगी, जब 2 से 1 में आएगा तो अलग एनर्जी रिलीज होगी। समझ आई ये बात, मतलब जितने भी हायर लेवल्स हैं उनमें से जब उनमें नीचे से
एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल्स में गया है और ऊपर वाले लेवल्स में कुछ टाइम रुकने के बाद वो क्या करेगा, वापस से अपनी जगह पे आना चाहेगा, ठीक है, वापस से अपनी जगह में आना चाहेगा, तो बेसिकली क्या होगा वहां पे वो एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि नीचे वाले लेवल्स की एनर्जी तो कम है और ऊपर वाले लेवल्स की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो ऊपर वाले लेवल्स की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से नीचे वाले में वो तभी फिट होगा जब अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज करता है वो अलग अलग वेवलेंथ की फॉर्म में रिलीज करता है, वो जो वेवलेंथ है बेसिकली वो क्या करती है स्पेक्ट्रा को ओरिजिनेट करती है, कि अलग टाइप का स्पेक्ट्रा मिलता है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, वो अलग अलग मिलती है, जब ऊपर से फर्स्ट में आता है, फिर सेकंड में आता है, फिर थर्ड में आता है, फिर फोर्थ में आता है, इस तरीके से, समझ आई बेटा जी, ठीक है, ये आती है, तो इस तरीके का जो है ये स्पेक्ट्रा है, तो उसकी वेवलेंथ, वो जो लाइट वहां से रिलीज होगी या जो एनर्जी रिलीज होगी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रेडबर्ग ने दिया था 1890 के अंदर, 1 by lambda is equal to z square r 1 by nf square minus 1 by ni square. nf का मतलब है n final, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आता है, that is n final. मतलब अगर 1 के अंदर सबसे पहली शेल के अंदर आता है तो n final आपका 1 हो जाएगा, सबसे सेकंड के अंदर आता है तो n final की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी. तो ये था एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन था बेटा जी, ठीक है, समझे भाई, उसके बाद देखो जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज बोहर मॉडल ऑफ एटम, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसका ये सब बेस था दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल, या बोहर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, इसको इसी को क्या बोलते हैं, शेल मॉडल भी बोलते हैं, शेल मॉडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, शेल मॉडल, क्योंकि उसने क्या दी थी अलग अलग शेल्स को उसने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, बोहर मॉडल ऑफ एटम आता है, उसने क्या बोला कि बोहर ने ये बात बोली लगभग 1915 की बात है, 1915 की बात है, जब बोहर ने ये एटॉमिक मॉडल दिया था, पूरा नाम था नील्स बोहर, पूरा नाम था नील्स बोहर, नील्स बोहर ने ये मॉडल दिया था, उन्होंने बोला कि बोहर मॉडल जो है वो रदरफोर्ड मॉडल का ही एक तरीके से एडिशन, वो क्या है रदरफोर्ड मॉडल का ही मॉडिफिकेशन है, बोहर का जो मॉडल है वो रदरफोर्ड मॉडल का ही एक मॉडिफिकेशन है, इसीलिए इसको बहुत बार रदरफोर्ड, इसको बहुत बार रदरफोर्ड बोहर्स मॉडल भी बोल देते हैं, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम भी बोल देते हैं, ये सारे इसके नाम हैं, जैसे रदरफोर्ड ने एटम की डिस्कवरी करते टाइम ये बात बताई थी कि एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, हैवी पार्ट होता है, उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं, तो बोहर मॉडल हैज एन एटम कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑर्बिटेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसने क्या बोला कि सेंटर में क्या होता है हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है न्यूक्लियस होता है, सेकंड चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या है नेगेटिवली चार्ज है वो क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड करते हैं, तो ये बात दोनों बातें जो है वो रदरफोर्ड ने भी बोली थी कि भाई सेंटर में हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो उस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं, तो उसको रदरफोर्ड मॉडल भी बोला है, तो बोहर रदरफोर्ड मॉडल है तो इसी को बोलते हैं, तो मॉडर्न मॉडल जो है एटम का वो क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है, जो मॉडर्न फिलहाल जो हम पढ़ते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड मॉडल है, लेकिन बोहर मॉडल जो है उसमें कुछ एरर्स थी, बोहर मॉडल की कुछ एरर्स थी, लेकिन फिर भी बोहर का मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था उस टाइम का, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो था वो था बोहर का मॉडल, ठीक है, इससे पहले वाले मॉडल की तरह
मतलब इससे पहले जितने भी मॉडल्स आए, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, वो सब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा में इतनी सारी लाइंस हमें क्यों देखने को मिलती है जबकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उसका जवाब जो है वो बोहर ने दिया और उसने एक्सप्लेन किया रेडबर्ग फॉर्मूला। थर्ड चीज जो उसने बताई दैट इज रेडबर्ग फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा है। रेडबर्ग फॉर्मूला के एमिशन लाइंस को उसने एक्सप्लेन किया रेडबर्ग फॉर्मूला। इसी मॉडल को हमने नाम देते हैं कई बार प्लेनेटरी मॉडल। प्लेनेटरी मॉडल भी बोलते हैं। इसी मॉडल को क्या बोलते हैं प्लेनेटरी मॉडल भी बोलते हैं कि मतलब जैसे प्लैनेट्स आपके सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स होते हैं, सेंटर में सन है, हैवी है और सराउंडिंग में सारे आपके प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो इसी सिस्टम को हमने क्या नाम दिया प्लेनेटरी सिस्टम भी नाम दिया। जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इसी तरीके से, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वहां पे भी, तो यहाँ पे भी जो है वो ग्रेविटेशनल टाइप फोर्स है। यहाँ पे भी क्या फोर्स है ग्रेविटेशनल टाइप या फिर एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं उसको अट्रैक्टिव फोर्सिंग है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। पॉजिटिव चार्ज किसका है न्यूक्लियस का है, नेगेटिव चार्ज किसका है इलेक्ट्रॉन का है। मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जैसे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है बेटा जी, ये कुछ ऊपर से बातें थी जो बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन करी थी, उसको हम प्लेनेटरी मॉडल, रदरफोर्ड बोहर मॉडल, शेल मॉडल, ठीक है, ये सारी चीजें हम उसको बोलते हैं। उसके बाद में कुछ मेन पॉइंट्स, उसके बाद में मेन पॉइंट्स बोहर एटॉमिक मॉडल के वो क्या कहते हैं। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स दैट हैव सेट साइज एंड एनर्जी। पहला जो है वो क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, इसमें रिवॉल्व करता है ऑर्बिट्स के अंदर। ऑर्बिट्स क्या है, सर्कुलर पाथ है विच हैज स्पेसिफिक या फिर बोले फिक्स्ड साइज एंड एनर्जी, जिनके पास साइज और एनर्जी दोनों चीजें क्या है फिक्स है। पूरा पूरे पोस्टुलेट को एक बार समझने की कोशिश करो, क्या बोलता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं न्यूक्लियस की सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं किसके अंदर ऑर्बिट्स के अंदर, किसके अंदर रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स के अंदर। और ये ऑर्बिट्स क्या है सर्कुलर पाथ है, जैसे आपका साइकिल का टायर होता है, बाइक का टायर होता है, इसी तरीके से सर्कुलर पाथ है विच है स्पेसिफिक एंड फिक्स्ड साइज एंड एनर्जी, जिसके पास उसका साइज भी फिक्स्ड है और उसकी एनर्जी भी क्या है वहां पे फिक्स्ड है। ठीक है बेटा जी, सेकंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज रिलेटेड टू इट्स साइज। एनर्जी जो है ऑर्बिट की वो उसके साइज से रिलेट करती है, मतलब साइज से रिलेट करती है कैसे होगा, लोवेस्ट एनर्जी जो है वो स्मॉलेस्ट ऑर्बिट के पास होती है। जो स्मॉलेस्ट साइज की ऑर्बिट होगी, जो सबसे छोटे साइज की ऑर्बिट होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट उसने क्या बोला कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसकी एनर्जी साइज के ऊपर डिपेंड करती है, जितना छोटा साइज होगा ऑर्बिट का उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, उसके बाद रेडिएशन जो होती है, रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मोर करेक्टली, रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब और एमिटेड। रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब और एमिट करते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, वन ऑर्बिट टू
another. ठीक है, जब radiations are absorbed or emitted, when an electron moves from one orbit to another, जब electron जो है वो आपका क्या करता है, एक orbit से दूसरी orbit में move करेगा. तो इसी तरीके से radiations जब absorb करेंगे, मतलब अगर नीचे वाले level में है तो energy को absorb करके higher level में चला जाएगा, higher level में है तो energy को release करके या emit करके वो क्या आ जाएगा, lower level में आ जाएगा. ठीक है बेटा जी, इतनी बात क्लियर हुई. ये मेन तो बेसिकली ये तीन ही पॉइंट्स थे जो बोहर ने एक्सप्लेन किए थे. पहला पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ के अंदर, जिसको उसने नाम दिया क्या, ऑर्बिट्स, जिसके पास वो स्पेसिफिक या फिक्स साइज और एनर्जी होता है. सेकंड उसने क्या बोला कि एनर्जी कितनी होगी ऑर्बिट के पास वो डिपेंड करता है उसके साइज पे, जितना छोटा साइज होगा एनर्जी उतनी ही कम होगी बेटा जी. थर्ड क्या बोला उसने कि अगर लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन्स है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और जंप कर जाएगा, अगर हायर लेवल में है तो एनर्जी को रिलीज करेगा और क्या कर देगा, डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे वाले लेवल पे आ जाएगा. ये तीन बेसिक पॉइंट्स थे. उसके बाद बोहर ने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन का एटम, जो हाइड्रोजन का एटम जो है बेसिकली वो बोहर के अकॉर्डिंग कैसा दिखना चाहिए या कैसा होता है वो बात उसने एक्सप्लेन करी. ठीक है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था हाइड्रोजन का, बोहर का मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया जिसका एटॉमिक नंबर जेड क्या होता है आपका, वन होता है. ठीक है, या फिर हाइड्रोजन लाइक आयंस भी ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम आता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर जेड जो है वो ग्रेटर देन वन होता है, या फिर ये बोलते जेड इज इक्वल टू टू होता है. लेकिन अगर मैं हीलियम पॉजिटिव आयन ले लूं तो वो हाइड्रोजन के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन और हीलियम पॉजिटिव के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन. तो जो बोहर का जो मॉडल था वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के साथ ही उस टाइम पे डील करता था, सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है बेटा जी, इस तरीके से. तो यहाँ से इसने क्या बोला कि जब हाइड्रोजन है उसके पास एक नेगेटिवली चार्ज जो है, एक हाइड्रोजन है उसके पास क्या है, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है जो क्या करता है सराउंडिंग में आपका रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है. ठीक है, उसके अगर रिवॉल्व करना है, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है. अब क्या किया उसने, उसने ये बात बोली कि इलेक्ट्रॉन जब आपका ये सेकेंड लेवल है, सपोज करो ये आपका थर्ड लेवल है, जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट लेवल से जंप करके कहाँ चला जाता है, सेकेंड लेवल पे. फर्स्ट लेवल से जंप करके कहाँ चला जाता है, सेकेंड लेवल पे. इसी तरीके से अगर यहाँ भी एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, फिर से एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो वो क्या चला जाएगा, सेकेंड लेवल से भी किसमें चला जाएगा, थर्ड लेवल पे चला जाएगा. तो इस तरीके से बोहर ने ये बात एक्सप्लेन करी कि हाइड्रोजन के अंदर जो है जब हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं अपनी एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब करते हैं रेडिएशंस को और जंप कर जाते हैं हायर लेवल पे. ठीक है, क्लियर है, ये बात बोली गई. तो उसने ये बात ऑब्जर्व करी, जब बोहर ने ये बात ऑब्जर्व करी कि भाई n इज इक्वल टू 1 यानी कि पहला लेवल, उसके बाद सीधा गया दूसरे लेवल में, उसके बाद सीधा गया तीसरे लेवल में, उसके बाद गया फोर्थ लेवल, उसके बाद गया फिफ्थ लेवल. इस तरीके से मतलब वहां पे क्या है, लेवल जो है वो फिक्स्ड है. उसके बाद क्या है बेटा जी, लेवल फिक्स्ड है. मतलब करती हूँ बेटा जी, एक्सप्लेन करूंगी एक बार, मैं इसको वही कर रही हूँ. हाइड्रोजन के एटम की जितनी भी ट्रांजिशंस है, हाइड्रोजन का जो एटम है बेसिकली, हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें जितनी भी स्टेट्स हैं आपकी वो क्या करती है, जंप करती है. ठीक है, फर्स्ट लेवल से एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगी, सेकंड में चली गई, सेकंड लेवल से एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगी, थर्ड में चली गई. तो बोहर ने ये बात ऑब्जर्व करी कि भाई कुछ परमिटेड लेवल्स हैं, मतलब ऐसा नहीं 1.5 लेवल भी बन गया, 3.2 लेवल भी बन गया, मतलब कुछ पर्टिकुलर एनर्जी है, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ फिक्स एनर्जी है. ठीक है, जैसे आपकी या तो लेवल 1 है, या फिर आपका लेवल क्या है 2 है, या फिर आपका लेवल क्या है 3 है, या फिर लेवल क्या है आपका 4 है. ठीक है बेटा जी,
ये बात बोली थी मैंने, तो मतलब उसने ये बात ऑब्जर्व करी है, एक्सपेरिमेंट्स करके रेडिएशन को जब एब्जॉर्ब कराया तो उसने ये देखा भी या तो n इज इक्वल टू 1 के अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉन या फिर सीधा n इज इक्वल टू 2 के अंदर। इसका मतलब लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के बीच में कोई भी लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। तो उससे उसने ये बात एक्सप्लेन कर दी कि भाई उसके पास पास कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स ही हैं, कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स हैं जो कि परमिटेड हैं, जिनकी एनर्जी पर्टिकुलर होती है। ठीक है, तो 3 से 2 में ट्रांजिशन आई, 1 में आई तो अलग अलग लाइमन बाल्मर और रशन सीरीज बनी। ठीक है, इस तरीके से सीरीज बनी, जैसे सबसे पहले बनी आपकी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में n इज इक्वल टू 1 के अंदर सारी आती है, कहां कहां से n इज इक्वल टू 1 के अंदर सारी रेज एंटर करती है, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। उसके बाद इसी तरीके से लाइमन के बाद आई बाल्मर, n इज इक्वल टू 2 के अंदर एंटर करते हैं, n इज इक्वल टू 3 से, n इज इक्वल टू 4 से, n इज इक्वल टू 5 से। ठीक है, उसके बाद आया हमारा पार्शन, पार्शन के अंदर n इज इक्वल टू 3 में एंटर करते हैं, n इज इक्वल टू 4 से, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 से। ठीक है, उसके बाद आया आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर n इज इक्वल टू 4 के अंदर एंटर करते हैं, n इज इक्वल टू 5 से, n इज इक्वल टू 6 से और n इज इक्वल टू 7 से। इसी तरीके से लास्ट है फंड सीरीज, n इज इक्वल टू 5 में एंटर करते हैं, 5 में कब एंटर, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7 से। ठीक है, इस तरीके से ये जो सीरीज है ये ऐसे बनती है कि भाई n इज इक्वल टू 1 में बाकी सारे लेवल से जो है इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग जो है वो हमें सीरीज देखने को मिलती है। इसी तरीके से जैसे हाइड्रोजन का एटम एक्सप्लेन किया, वैसे ही जैसे हाइड्रोजन का एटम एक्सप्लेन किया बोहर ने, वैसे ही बाकी दूसरे जितने भी एटम्स थे उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके उन्होंने उन सभी एटम्स को क्या किया, हाइड्रोजन जैसा ही बना लिया। मतलब जैसे हीलियम था, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसने पहले ही एक रिमूव करा दिया तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जैसा ही सिस्टम हो गया। चाहे एटम बेशक वो हीलियम का था लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो जंप करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन करेगा, वापस आएगा तो भी वही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो मतलब हाइड्रोजन जैसा ही स्पेक्ट्रम जो है वो देखने को मिला हाइड्रोजन लाइक एटम्स के अंदर। ठीक है, जैसे आपका हीलियम है, लिथियम है, लिथियम के साथ ही। तो जैसे जैसे हम हैवियर एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम हैवियर एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा क्या होता जाता है, बेसिकली ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल पे जब हम मूव करते हैं तो वो क्या करता है, आपका ऑब्जर्व करता है सेम जैसा आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आया था वैसा ही। तो इसीलिए इसने एक्सप्लेन किया। उसके बाद इसमें भी कुछ लिमिटेशन बोहर मॉडल की, कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ बातें थी जो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया, बोहर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी जो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। पहली चीज क्या थी, इट वायलेट्स हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वायलेट्स हेजनबर्ग्स हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो पहले क्या होता है, ये देखो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो इसकी लिमिटेशन थी। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है बेटा, देखो अनसर्टेनिटी जो वर्ड है, अनसर्टेनिटी जो वर्ड है वो अनसर्टेनिटी का मतलब है कि फिक्स्ड नहीं है, अनसर्टेनिटी का मतलब है फिक्स्ड नहीं है। हेजनबर्ग जो थे उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर, देखो अब इस हेजनबर्ग को समझने के लिए बेसिकली क्या है, एक आप ऐसे इमेजिन करो, आप इस तरीके से इमेजिन करो कि आप जो सिस्टम है आपका बेसिकली ऐसा ले लो कि एक रूम है आपके पास, क्या है एक रूम है, उस रूम के अंदर पूरा अंधेरा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसके अंदर। ठीक है, फुल उसके अंदर कोई भी रोशनी नहीं है 1% भी। अगर आपको उस रूम में जैसे ही आप एंटर करते हो, जैसे ही आप एंटर करते हो तो उसके अंदर सपोज करो एक चेयर रखी है, उस रूम के अंदर अंधेरे में एक चेयर रखी है और आपको वो चेयर नहीं दिख रही है, तो आपको वो चेयर देखने के लिए उसके ऊपर टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ेगा या कोई लाइट ऑन करनी पड़ेगी।
ठीक है, मतलब टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाइट ऑन करनी पड़ेगी। तो वो जो लाइट जो गिरेगी, जो लाइट में रेडिएशन होती है, रेडिएशन के पास एनर्जी होती है, वो जो लाइट आपकी चेयर के ऊपर पड़ेगी, जो लाइट आपकी चेयर के ऊपर गिर रही है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप कमरे की लाइट जलाते और बेड उठ के दूसरी जगह चला जाता है, ऐसा होता है कभी? भैया साहब ने देखा है कभी कि भाई रूम है, रूम के अंदर पूरा अंधेरा है, अंधेरे में से आप बाहर से गए हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा और आप एकदम से लाइट ऑन कर देते हो, लाइट ऑन करते ही आपको कुछ भी दिखाई ना दे, ठीक है, लाइट ऑन करते ही आपका बेड जो है वो अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पे चला जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, माइक्रोस्कोपिक का मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो है बेसिकली उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ही स्मॉल साइज होता है, उनको अपनी जगह रिप्लेस करने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अगर सपोज करो हम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं, वो कहाँ बैठा है एक्चुअली एटम के अंदर, हम वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो हमें कोई ना कोई विजिबल लाइट उसके ऊपर डालनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम उसके ऊपर लाइट डालेंगे, लाइट डालते ही वो क्या करेगा, हटेगा, लाइट डालते ही वो क्या करेगा, दिखाई तो तभी देगा जब विजिबल लाइट होगी, लाइट विजिबल रीजन की लाइट उसके ऊपर डालेगी तभी तो हमें दिखाई देगा वो। तो जब हम उसको देखने के लिए कोशिश करते हैं लाइट टॉर्च डालने की, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूल कैरेक्टर भी पढ़ लिया, मतलब वो वेव की तरह भी काम करती है और पैकेट ऑफ एनर्जी की तरह भी काम करती है। तो जो लाइट आप उसके ऊपर डाल रहे हो उसके पास पैकेट ऑफ एनर्जी है, स्मॉल स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो कल जैसे हमने जो मार्बल वाला एग्जाम्पल देखा ना, जो कंचे वाला जो हम एग्जाम्पल कह रहे थे, जो कंचे खेलते हैं, जो गेम खेलते हैं मार्बल वाला, उसमें पिट बनाते हैं, ठीक है, मिट्टी में जैसे गड्ढा सा बना लेते हैं, छोटा छोटा सा पिट बना लेते हैं, उसके अंदर एक मार्बल होता है, हम कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं, हम दूसरा मार्बल उस पे हिट करते हैं और वो मार्बल दूसरा निकल के बाहर चला जाता है। तो जब सफिशिएंट एनर्जी होती है तभी बाहर जाता है। इसी तरीके से जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम ऑब्जर्व करने जाते हैं, तो हम जो लाइट उसके ऊपर डालते हैं देखने के लिए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है, इसको देखने के लिए मैंने टॉर्च जलाई है, तो उस टॉर्च के अंदर से जो लाइट जाती है, जो रेडिएशन जाती है, उन रेडिएशन के पास फोटोन होते हैं, फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी, और वो फोटोन जाके स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन को, वो फोटोन जाके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन को। वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर दिया, तब वो उठ के दूसरी जगह चला गया, समझ रहे हो, दूसरी जगह चला गया। तो उसने ये बात बोली हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम, उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी, मोमेंटम कह लो वेलोसिटी कह लो एक ही बात है, उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ फुल 100% सर्टेनिटी के साथ हम मेजर नहीं कर सकते। मतलब क्या है इस चीज का, कि अगर हम वेलोसिटी मेजर करना चाहेंगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, पोजीशन मेजर करना चाहेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि पोजीशन देखने के लिए हमें लाइट जलानी पड़ेगी, लाइट जलाते ही वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है तो साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है, क्लियर हुई ये बात। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की अगर मोमेंटम या फिर वेलोसिटी और पोजीशन साइमल्टेनियसली मेजर करना चाह रहे हैं, साइमल्टेनियसली मेजर करना चाह रहे हैं, तो वहां से आपका एज इट इज, मतलब वहां से बेसिकली जो है वो या तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है या फिर पोजीशन चेंज हो जाती है, दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ मेजर नहीं कर सकते, ठीक है बेटा जी। ये जो है
ये बोहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन थी, लेकिन उसने बोहर के अकॉर्डिंग में उसने क्या बोला कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर ये ऑर्बिट्स होती हैं, और ये ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होती है आपकी फिक्स्ड होती है, ठीक है, उसने ये बात कही। सेकेंड जो लिमिटेशन थी दैट इज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, वो क्या थी, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, p = mv, ठीक है, 1915 बेटा ईयर लिखा हुआ है कि बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था, बताओ इससे भी क्या प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। देखो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, उसने ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम को वो जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसकी जो वैल्यूज आ रही थी ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए जो वैल्यूज आ रही थी वो इनकरेक्ट आ रही थी, मतलब एक्चुअल नहीं आ रही थी। इसका मतलब उसने जो है बेसिकली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अंदर दोनों चीजें आती हैं, ऑर्बिट का रिवॉल्यूशन भी और इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी, तो उसने इलेक्ट्रॉन की स्पिन को कंसीडर नहीं किया था उस टाइम पर। थर्ड जो लिमिटेशन थी उसने इंटेंसिटीज, रिलेटिव इंटेंसिटीज नहीं बताई, रिलेटिव इंटेंसिटीज नहीं बताई उसने स्पेक्ट्रल लाइंस की, भाई स्पेक्ट्रल जो लाइंस आई है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के अंदर जो लाइंस आई है उनकी एक दूसरे के रिलेशन में क्या इंटेंसिटी होगी, वो रिलेटिव इंटेंसिटीज को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। फोर्थ जो है वो फाइन और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, एक तो होता है बेटा जब स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ते हैं ना, एक तो आती है स्पेक्ट्रल लाइंस, एक आती है फाइन लाइंस और हाइपर फाइन लाइंस। हाइपर फाइन लाइंस का मतलब अगर आप किसी स्पेक्ट्रा को ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो अगर आपने डॉक्टर गए या किसी का भी अपने घर में किसी बुजुर्ग का अगर ईसीजी देखा हो ना, तो ईसीजी के अंदर कुछ इस तरीके से लाइंस होती है, अगर आप उनको ध्यान में पढ़ो तो ये तो हमें मोटी मोटी सी अगर देखने लग जाए तो स्पेक्ट्रा के अंदर तीन पीक्स दिखती है, लेकिन जो ये नीचे आपकी दिखती है उनमें आता है आपका फाइन और हाइपर फाइन लाइंस, मतलब एक जो बड़ी लाइन है उस दो जो बड़ी पीक्स है आपकी उन दो पीक्स के बीच में कुछ छोटी छोटी पीक्स होती हैं, उनको बोलते हैं फाइन और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। हाइपर फाइन और फाइन स्ट्रक्चर को बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। तो ये था आपका बोहर मॉडल, इसमें कुछ रिफाइनमेंट्स भी थी, कुछ फर्दर जो है वो इसके अंदर एडिशनल भी सिस्टम था कि बोहर ने बाद में जाके कुछ चीजों को ठीक भी किया, बाकी और साइंटिस्ट आए उन्होंने भी ठीक किया, क्वांटम मैकेनिक्स आने के बाद बोहर के मॉडल के अंदर कुछ चेंजेस करे गए, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, ओवरऑल व्यू देखा जाए तो बोहर का मॉडल जो है वो मोस्टली एक्सेप्टेबल था उस टाइम तक के लिए जब तक आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की जो थ्योरीज है वो नहीं आई थी, ठीक है। तो अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, प्रोटॉन डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग का, उसके बाद हमने मॉडल्स के ऊपर आए, मॉडल्स के अंदर हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा जिसको वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, उसके बाद हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा जिससे उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, तो उसने ये बताया कि भाई न्यूक्लियस के जो है एक हैवी पार्ट होता है लेकिन उसका साइज बहुत छोटा होता है, बाकी जो एटम होता है उसके अंदर खाली स्पेस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। उस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद जो है हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है कि ऐसी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी में से निकलती है, ब्लैक बॉडी होती है परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर होती है बेटा जी। उसके बाद हमने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस के ऊपर जैसे ही आप कोई भी बीम स्ट्राइक कराते हो तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकल देती है, लेकिन उसके लिए एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमने बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसमें हमने बोला कि कुछ रेडिएशन होती है जिसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो अलग अलग टाइप की अलग अलग वेवलेंथ की होती है, ठीक है, उन रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है बेटा जी। तो उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद हमने आज स्टार्ट किया एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से, स्पेक्ट्रा फिर हमने पढ़ा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे ही स्पेक्ट्रल लाइंस का हम क्या बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं, और वो जो ग्राफ है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राम या स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं।
पढ़ते थे नॉर्मल लैंग्वेज में, उसमें हमने अलग अलग टाइप पढ़ी, दो एमिशन और एब्जॉर्प्शन। एमिशन स्पेक्ट्रा में हमने क्या पढ़ा कि जब रेडिएशन आपकी कोई भी हायर लेवल का कैंडिडेट अगर रेडिएशन एमिट करता है, कोई जंप कोई भी लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी, हायर में चला जाएगा। जब हायर से वापस, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं 4-5 दिन में, जब हम घूमने जाते हैं तो हमारे पास बहुत एक्साइटमेंट होती है, एनर्जी होती है ज्यादा कि हम जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे 2-4 दिन में जब हम वहां पहुंच जाते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, तो जब घर आते हैं ना वापिस घूम के, तो ऐसे लटके हुए मुंह होते हैं और आते ही ऐसा मन करता है कि सो जाओ, क्योंकि हमारी वीक, हम वीक फील करते हैं, एनर्जी लो एनर्जी फील करते हैं। तो इसी तरीके से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन भी अपने घर में रहता है, पहले वो उसको भी एक्साइटमेंट होती है कि मुझे हायर लेवल जाना है, वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ऊपर वाले लेवल में चला जाता है, 2-4 दिन घूमता है, 2-4 दिन नहीं तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए घूमता है, ऊपर वाले लेवल में रिवॉल्व करता है, फिर वो क्या करेगा, जंप करके वापस से नीचे अपने घर में आ जाएगा। तो जब वो वापस से अपने घर में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, तो उस टाइम में जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो मिलता है बेटा जी एमिशन स्पेक्ट्रा, और जब वो एब्जॉर्ब करके गया था तो क्या मिलता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा में हमने दो टाइप पढ़े, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा का मतलब बैंड्स रेड ऑरेंज प्योर, जब हम सन की लाइट के अंदर अगर हम प्रिज्म रख देंगे, देखना कभी ये तो आप इजिली कर सकते हो, ऑब्जर्व हो जाता है, जब सन की लाइट के आगे आप प्रिज्म रखते हो तो वो 7 कलर्स में स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे, प्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, जो भी आपका सिस्टम है वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जैसे ही वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। एक कलर है फिर दूसरा कलर शुरू हो जाता है, मतलब स्पेस नहीं होता बीच में। और एक आता है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा जैसे सोडियम का हमने कोई सॉल्ट बर्न किया तो उसके लिए हमें 2 येलो लाइन्स मिलती हैं, तो वो आता है लाइन स्पेक्ट्रा कि भाई 2 लाइन्स मिलती हैं, दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है समवन, ठीक है। उसके बाद हमने बोहर मॉडल शुरू किया। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था बेटा जी, बोहर में ये बात बोली कि रदरफोर्ड के ऊपर बेस्ड मॉडल था, इसको शेल मॉडल भी बोलते हैं, रदरफोर्ड बोहर मॉडल भी बोलते हैं, प्लेनेटरी मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे प्लेनेटरी सिस्टम है हमारा सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही बोहर ने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो जैसे ही वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो बोहर ने कुछ बेसिक 3 बातें बताई इंपॉर्टेंट, कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो सर्कुलर पाथ के अंदर गोल गोल पाथ होता है, सर्कल के जैसा पाथ होता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, जिसका साइज भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एनर्जी साइज के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और वो फिक्स्ड होती है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर घूमते हैं। उसके बाद उसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया कि लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट फंड जो है वो सारी लाइंस कहाँ से आती हैं, कैसे अराइज होती हैं। उसके बाद हमने इसकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ी, ठीक है। बाकी जो है आज के लिए इतना काफी है, बोहर मॉडल ऑफ एटम के कुछ जो मॉडिफिकेशंस थी वो भी पढ़ेंगे, कल पढ़ते हैं, ठीक है। अभी के लिए बहुत है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और बेटा इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ाओगे तो आपके काम आएगा जिंदगी में, ठीक है। वैसे ये बात सभी बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते होंगे, ऑब्वियसली आपको सारा दिन घर रहते हो तो, लेकिन प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों से, प्रेशराइज हुआ मत करो, प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचा करो, इंटरेस्ट लिया करो चीजों में, ठीक है। अगर मेरी तो क्लास में आप अगर बोर भी हो जाते हो तो आप मुझे बता दिया करो, मेरे पास मतलब और इंटरेस्टिंग भी फैक्ट्स हैं जो आपको मैं बता सकती हूँ, और दूसरा तरीका भी है जो मैं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए खुश रहा करो, ठीक है, स्वस्थ रहो, ठीक है, चलो कल मिलते हैं, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।